हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज आपके सामने एक ऐसा वीडियो, आप देख रहे हैं यूएससीपीए ऑडिट मैराथन। देखिए, इस मैराथन का मतलब ये है, स्पेशली यूएससीपीए के स्टूडेंट्स, जब जिनका की बैकग्राउंड ऑडिट नहीं रहा है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऑडिट नहीं किया, मतलब ऑडिट का आपको सही तरीके से डेफिनेशन भी नहीं पता कि आप ऑडिट किस तरीके से करते हैं। देखिए, ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि एक लैंग्वेज का पेपर है। यहां आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना पड़ता है, ऑडिट प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो कई बार क्या होता है कि जो सीपीए करने वाले सिंपल बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, जिनका कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड नहीं है, तो उन्होंने कभी ऑडिट पढ़ा नहीं होता, और पढ़ा भी है बीकॉम में तो उतना डेप्थ में नहीं पढ़ा है। तो क्या होता है कि फिर स्टूडेंट करते हैं स्ट्रगल। देखिए, सीपीए की एग्जाम बहुत कॉस्टली एग्जाम है, तो इस ऑडिट मैराथन का बेनिफिट किन किन लोगों को मिलने वाला है, पहले मैं बता दूं। इस ऑडिट मैराथन में आपको कुछ ऑडिट के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, आपका ऑडिट का बेस काफी स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे कि आपके अंदर इंटरप्रिटेशन स्किल आ जाए, आप एमसीक्यू को अच्छे से सॉल्व कर पाए, आप सिमुलेशन को अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो अराउंड 20 आवर्स के वीडियोस आपको आपके कोर्स के साथ एडिशनली हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रोवाइड करने वाले हैं। देखिए, ये मैंने जो डिसीजन इसीलिए लिया, कुछ साल पहले जब मैं सीए फाइनल के स्टूडेंट और सीए इंटर के स्टूडेंट्स को ऑडिट पढ़ाता था, तो हम क्या करते थे, एक लॉन्ग मतलब 15-20 घंटे के एक वीडियोस को स्टूडेंट्स को देते थे, जिससे कि वो ऑडिट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। तो अगर आपका ऑडिट का बैकग्राउंड नहीं है, आप एक हाउसवाइफ हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, लेकिन आपका ऑडिट फील्ड नहीं है और आपने यूएससीपीए को ज्वाइन कर लिया है, तो ये जो मैराथन वीडियोस हैं आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। और इस जस्ट वीडियो के एंड में मैं एक सैंपल वीडियोस भी क्या है अपलोड करने वाला हूं कि आपको किस प्रकार से ये ऑडिट के लेक्चर्स, जो ऑडिट मैराथन वीडियोस है, अराउंड 20 आवर्स के वीडियोस किस तरीके से हेल्प करेंगे, उसका एग्जांपल वीडियो इस वीडियो के एंड में स्टार्ट होगा। तो इसका रोड मैप क्या होगा, सर ये क्यों जरूरी है, ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आप ऑडिट के इंटायर सिलेबस में डिफरेंट डिफरेंट जगह पढ़ते हैं, उसको इन 20 आवर्स के वीडियोस में मैंने एक जगह क्या कर दिया है, क्लब कर दिया। तो मैं आपके साथ में आउटलाइन के बारे में डिस्कस करूं। जैसे हम सबसे पहला जो हमारा फोकस होगा इस ऑडिट मैराथन में, एआईसीपी के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को स्टार्ट करना, पहली चीज। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग। अब देखिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ना ऑडिट के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे मैं कुछ कॉन्सेप्ट के नाम लेता हूं, अगर आपने ऑडिट को अटेम्प्ट किया है और आप पास नहीं हो पाए हैं, या अगर आप ऑडिट कर रहे हैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, तो आप इन टर्मिनोलॉजी जैसे असर्शन, ऑडिट ओपिनियन, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, इंटरनल कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, सैंपलिंग रिस्क, ऑडिट रिस्क, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ, कंपाइलेशन, ऑडिट रिव्यू, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, तो जितने भी ऑडिट के बेस्ट कॉन्सेप्ट हैं इन रिकॉर्डेड वीडियोस में मैं आपको देने वाला हूं। और इस वीडियो के जस्ट बाद आप 25 मिनट्स का टू हाफ एन आवर का एक वीडियो देखेंगे, जिसमें आपको एक आइडिया लगेगा कि इन वीडियोस को सुनने भर से आपको ऑडिट कितने अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये जो 20 आवर्स के वीडियोस हैं, ये एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को भी दिए जाएंगे, और जो न्यू कमर, जो नए स्टूडेंट्स हमारे यहाँ ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ऑडिट सब्जेक्ट को पास करने में। तो इसमें आपके कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट, टाइप्स ऑफ ऑडिट, स्टेप ऑफ परफॉर्मिंग ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट इंटरप्रिटेशन, और किस तरीके से आपको एमसीक्यू और सिमुलेशंस को अटेम्प्ट करना है, वो भी मैं इसके साथ में क्या कर देने वाला हूं, कंसोलिडेट करने वाला हूं। तो कुछ टॉपिक्स के सिमुलेशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिससे कि अगर आपने 20 आवर्स के वीडियोस को देख लिया, केवल इन 20 आवर्स के वीडियोस को आपने अपने मोबाइल में, लैपटॉप में एक बार कान में अच्छे से सुन लेना, सारे कॉन्सेप्ट मैं कवर कर लूंगा। मतलब आपसे कोई नींद में भी पूछे
What is the inherent risk? What is the control risk? What is the detection risk? What is the meaning of assertion? Har audit ke concept with the help of practical example. तो फिर आपका यूएस सीपीए में ऑडिट 100% पास आप कर पाएंगे. तो चलिए एक सैंपल वीडियोस मैं जो इसके बाद एक सैंपल वीडियोस आप देखेंगे कि इस तरीके के वीडियोस आपको क्या करने वाले हेल्प करने वाले. तो ये जो मैराथन 20 आवर्स हैं इन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट आपका ऑडिट का जो बेस है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा. आपसे कभी भी कोई पूछ ले कि ऑडिट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं छोटी सी छोटी चीज लाइक एविडेंस के बारे में एप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट का क्या मतलब होता है, रीजनेबल अश्योरेंस का क्या मतलब होता है, ऑडिट ओपिनियन का मतलब क्या होता है, ऑडिटर एक्सपर्ट का क्या मतलब होता है, वो सारे कॉन्सेप्ट जो है इस वीडियोस के थ्रू एज पर दी AICPA गाइडलाइंस में क्या करने वाला हूं, कवर करने वाला हूं. तो मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे भी अपलोड करने वाला हूं. सो हम आज डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. देखिए जब एक ऑडिटर किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर लेता है तो ऑडिट को करने के बाद सारी ऑडिट को की प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद वो अपनी एक रिटन रिपोर्ट देता है और अपने ओपिनियन को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है. तो बेसिकली ऑडिट में ओपिनियन चार प्रकार के दिए जाते हैं. इन चारों ओपिनियन के नाम है, सबसे पहला है अनक्वालिफाइड ओपिनियन, दूसरा क्वालिफाइड रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. लेकिन इसके बीच में मैं एक छोटी सी लाइन खींच दे रहा हूं. बेसिकली ऑडिट के ओपिनियन होते हैं दो प्रकार के, मतलब वो अपनी रिपोर्ट में को क्या करता है, आप ऐसी टर्मिनोलॉजी देखेंगे मॉडिफिकेशन. एक होता है अनमॉडिफाइड रिपोर्ट और एक होता है मॉडिफाइड रिपोर्ट. तो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट का मतलब होता है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, मतलब अपनी सारी ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद ऑडिटर को लगता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल फेयरली प्रेजेंटेड है. मतलब एक ऑडिट रिपोर्ट क्लीन रिपोर्ट, जब एक ऑडिटर क्लीन रिपोर्ट देता है मतलब उसको लगता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, तो वो कौन सी रिपोर्ट देता है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट. तो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब होता है जब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बने हैं लाइक यूएस गैप या IFRS के अकॉर्डिंग बने, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट में कंप्लीटेड है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर प्रेजेंटेशन देते हैं. तो जब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर प्रेजेंटेशन देते हैं ना, तो इस प्रकार की जो रिपोर्ट दी जाती है इसको बोला जाता है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, या आप इसको कह लीजिए अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, बात एक ही है. तो हमने यहां पे बोला क्लीन रिपोर्ट मतलब अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, फेयर रिपोर्ट, और उसके बाद होती है मॉडिफाइड रिपोर्ट. तो मॉडिफिकेशन में तीन चीजें आती हैं, पहला क्वालिफाइड रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. अब स्टूडेंट क्या है इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं. तो देखिए USCP की एग्जाम है ना बहुत MCQ बेस्ड एग्जाम है, आपको प्रैक्टिकली चीजों को सोचना होगा. तो मैं आपको डेफिनेशन भी पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा और जहां आपको एक्स्ट्रा एम्फेसिस देने की जरूरत है उसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे. मतलब इस लेक्चर को देखने के बाद आपके मन में कभी भी मॉडिफिकेशन और अनमॉडिफाइड रिपोर्ट में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा. तो हमने बात करी सर मॉडिफाई में तीन चीजें आती हैं, ठीक है सर. अब हम तीनों की डेफिनेशन को पढ़ेंगे और उसमें मैं कुछ अंडरलाइन करने जा रहा हूं. ये अंडरलाइन वर्ड को बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि MCQ में डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले, क्योंकि हमारा जो पर्पस है वो CPA की एग्जाम को पास करना पहला पर्पस है. तो MCQ आपके सही हो सके इसके बाद मैं आपको इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कराने वाला हूं. तो सबसे पहले क्वालिफाइड ओपिनियन डेफिनेशन क्या बोलती है, वेयर द ऑडिटर आइदर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब ऑडिटर के पास अगर ऑडिट एविडेंस है
ऑडिटर ने अपना ऑडिट किया और ऑडिट एविडेंस उसको बोलते हैं, कंक्लूड दैट मिस स्टेटमेंट्स आर मटेरियल बट नॉट, ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, बट नॉट परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब अगर इसका हम एक सही अंडरस्टैंडिंग करें कि जब किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के बाद ऑडिटर के पास ऐसे ऑडिट एविडेंस हैं जो ये कंक्लूजन देते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, मतलब कुछ अच्छे लेवल के मिस स्टेटमेंट है लेकिन वो परवेसिव नहीं है। परवेसिव का मतलब होता है व्यापक, एवरीवेयर, मतलब एक प्रकार का ऑडिटर क्या कर रहा है, यहां पे क्वालिफिकेशन दे रहा है, आपत्ति दर्ज करा रहा है। सिंपल वर्ड बोलूं, क्वालिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी तरीके से गड़बड़ है, क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ जगह, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं? एक्सेप्ट वर्ड आप देखेंगे, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के बाद आपको लगा कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी तरीके से तो ठीक नहीं, एक जगह मिस्टेक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने देखा कंपनी ने एक प्लांटेड मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए लेबर का पेमेंट किया, लेबर वेजेस का पेमेंट किया, लेकिन उस लेबर और वेजेस के पेमेंट को कंपनी ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया, जबकि उस एक्सपेंडिचर को प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट में कैपिटलाइज करना चाहिए। तो क्या एक प्लांट एंड मशीनरी में एक अमाउंट लेबर का जो पेमेंट किया था, वो हो सकता है बहुत बड़ी लेबर पेमेंट करी हो, वो कंपनी के लिए मटेरियल तो है बट परवेसिव नहीं है। कंपनी ने अपनी एक अकाउंटिंग पॉलिसी में उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया जबकि वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। तो हम यहां पर बता सकते हैं कि एक्सेप्ट फ्रॉम द प्लांट एंड मशीनरी जो वेजेस का आपने लेट से आपने इंस्टॉलेशन के लिए 20 लाख रुपीज का वेजेस का पेमेंट किया, तो आपने 20 लाख रुपए की वेजेस को पीएनएल में चार्ज कर दिया, इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए था, उसको प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट में जोड़ना चाहिए था। जब आप एक्सेप्शन लगाते हैं, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट तो है बट वो परवेसिव नहीं। और ध्यान रखिए, मैंने बोला आपके पास इस बात का ऑडिट एविडेंस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी ने, आपने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरी तरीके से चेक किया और आपने देखा कि कंपनी ने एक बहुत हैवी लेवल का एक्सपेंडिचर किया। लेट से वो एक्सपेंडिचर जो कंपनी ने किया है वो लीज के ऊपर किया, मतलब कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी को किराए पे लिया है और एज पर लीज IFRS 15 हम ले लेते हैं, IFRS 15 के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट नहीं दिया। तो आपने केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट को जब हाईलाइट करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन तभी यूज की जाती है जब मटेरियल मिस स्टेटमेंट होता है लेकिन वो परवेसिव नहीं होता। दूसरा एडवर्स में देखिए, एडवर्स में क्या बात है, द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कंक्लूड दैट मिस स्टेटमेंट आर बोथ, देखो ये बोथ वर्ड को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मटेरियल एंड परवेसिव। मतलब ऑडिटर के पास कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने के बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट भी है, वो परवेसिव, मतलब परवेसिव मतलब एवरीवेयर, व्यापक, एवरीवेयर, हर जगह मिस्टेक। कंपनी ने IFRS के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाए या US GAAP के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाए। तो अगर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी तरीके से गड़बड़ होना, तब हम क्या करते हैं, एडवर्स ओपिनियन देते हैं। तो कीवर्ड क्या है सर, एविडेंस है हमारे पास और एविडेंस के बेसिस पर हम कंक्लूड करते हैं कि वो मटेरियल भी है और परवेसिव मतलब एवरीवेयर। मतलब कंपनी का आप कभी भी एडवर्स ओपिनियन के केसेस में यह नहीं कह सकते कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयरली प्रेजेंटेड है, नहीं, यहां पर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयरली प्रेजेंटेड नहीं है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में आप देख रहे हैं, द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट। हमने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के दौरान कंपनी से बोला आपका स्टॉक रजिस्टर दीजिए, कंपनी बोलती है हमारे पास स्टॉक रजिस्टर है ही नहीं, अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। और एक और बात,
केवल एविडेंस ना मिलने के कारण डिस्क्लेमर नहीं। यहां पर एक और बात लिखिए कि उसका जो पॉसिबल इफेक्ट क्या हो सकता है, बोथ मटेरियल एंड परवेस। ये दोनों लाइन बड़े इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू सॉल्व करते समय। मतलब सर डिस्क्लेमर के केसेस में भी परवेसिव होना चाहिए एंड मटेरियल होना चाहिए, एडवर्स के केस में भी मटेरियल और परवेसिव, लेकिन यहां पर क्वालिफाइड में केवल क्या है मटेरियल है। तो परवेसिव मतलब अगर हर जगह मिस्टेक है तो एडवर्स। सर हमारे को एविडेंस नहीं मिले और इस एविडेंस के बेसिस पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पोटेंशियली हमको लग रहा है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट हो सकता है और वो मटेरियल भी होगा और परवेसिव भी होगा। मतलब हम उस मिस स्टेटमेंट की परवेसिवनेस को जज ही नहीं कर सकते कि बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है, तब आप क्या करते हैं डिस्क्लेमर। तो ये परवेसिव वर्ड बड़ा याद रखना। सर मटेरियल है बट परवेसिव नहीं और एविडेंस नहीं मिले तो डिस्क्लेमर नहीं आएगा बेटा, ये ध्यान रखना। क्या बोल रहे हैं सर, मटेरियल है बट परवेसिव नहीं और हमारे पास एविडेंस नहीं है तो डिस्क्लेमर नहीं क्वालिफाइड। ध्यान रखिए जब तक एविडेंस आपको नहीं मिले डिस्क्लेमर, और एविडेंस नहीं मिले हैं और वो मटेरियल भी है और परवेसिव भी है तो डिस्क्लेमर। सर मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड। इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। अब जैसे यहां पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की कुछ एग्जांपल है, बिल्कुल ध्यान से समझना। पहला एग्जांपल दिया है इन एबिलिटी टू कंफर्म अकाउंट रिसीवेबल। हमने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे डेटर्स थे, हम चाहते थे हमने उनसे बैलेंस के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजी उनको। एक्सटर्नल कंफर्मेशन मतलब ऑडिटर क्या करता है उनसे डायरेक्ट पूछता है कि क्या आपको कंपनी को इतना अमाउंट देना है, और हमको वहां से कंफर्मेशन नहीं मिली। अब मुझे बताइए मेरे पास एविडेंस ही नहीं जिसके बेसिस पे मैं कह सकूं कि कंपनी की बुक्स में जो अकाउंट रिसीवेबल आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। रिस्ट्रिक्टेड ऑडिट टेस्ट, कंपनी से हमने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मिनट्स की मीटिंग्स के मिनट्स चाहिए, देने से मना कर दिया। हमने बोला कंपनी की ब्रांच में विजिट करना है, देने से मना कर दिया। हमने बोला कंपनी के ब्रांच के रजिस्टर दीजिए, देने से मना कर दिया। हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। कंपनी की सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें नहीं मिल रहे, कंपनी की सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें नहीं मिल रहे, मतलब यहां पर हमारे पास क्या है बोथ मटेरियल एंड परवेसिव तो है बट हमको एविडेंस नहीं मिल पा रहा। तो ये क्या है सर, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। एडवर्स इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर, कंपनी ने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर ही नहीं दिए। नोट्स टू अकाउंट्स, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। अनजस्टिफाइड डिपार्चर फ्रॉम यूएस गैप, कंपनी यूएस गैप को फॉलो ही नहीं कर रही और उसका जस्टिफिकेशन भी नहीं दे पा रही। देखिए यूएस गैप से डिपार्चर कर रहे हैं आप, मतलब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उससे आपने डिपार्चर किया, एडवर्स ओपिनियन। अनरीजनेबल अकाउंटिंग एस्टीमेट, आपने बहुत बड़े बड़े अकाउंटिंग एस्टीमेट ले लिया। अकाउंटिंग एस्टीमेट मतलब कंपनी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो बहुत सारे अकाउंटिंग एस्टीमेट लेती है। जैसे कंपनी के ऊपर लिटिगेशन चल रहा है, अब हमने पूछा कि यार आपके ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा है, कंपनी ने हमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया। कंपनी बोल रही है कि इसमें हमको कोई पेनल्टी नहीं देने वाला लगने वाली, और हमने एक इंडिपेंडेंट अटॉर्नी से पूछा, नहीं बोले कंपनी को 20 करोड़ का पेमेंट करना पड़ सकता। अनजस्टिफाइड अकाउंटिंग, अनरीजनेबल अकाउंटिंग एस्टिमेट और एंड अनजस्टिफाइड यूएस गैप कंसिस्टेंसी चेंजेस। पिछले साल फीफो फॉलो कर रहे थे, इस साल फिर लीफो फॉलो कर लिया, अगले साल वेटेड एवरेज फॉलो कर लिया, तो आप क्या कर रहे हैं US गैप का अनकंसिस्टेंटली क्या कर रहे हैं, कंप्लायंसेस कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए यहां पर फिर से फोकस कर रहा हूं बच्चों, एडवर्स में क्या है बोथ मटेरियल एंड परवेसिव, डिस्क्लेमर में भी है बोथ मटेरियल एंड परवेसिव, लेकिन क्वालिफाइड एक्सेप्ट केवल कुछ जगह प्रॉब्लम है वो परवेसिव नहीं है, तभी आप क्या करते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन देते। तो क्वालिफाइड ओपिनियन में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बोलते हैं कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फेयरली प्रेजेंटेड एक्सेप्ट, यहां पर एक्सेप्शन लगाते हैं, लेकिन यहां पर कभी भी फेयर प्रेजेंटेशन हम नहीं बोल सकते, एडवर्स में हम फेयर प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे वर्ड परवेसिव मटेरियल
ये आपको बहुत अच्छे से क्या है समझना पड़ेगा। अब इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। जैसे यहां पर एक समरी में दिया हुआ है, पहले तो यहां देखिए, नेचर में मटेरियल बट नॉट परवेसिव क्वालिफाइड, मटेरियल एंड परवेसिव एडवर्स, इनएबिलिटी टू ऑप्टेन सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। देखिए यहां क्वालिफाइड लिखा इनएबिलिटी में, क्योंकि वो क्या है मटेरियल बट नॉट परवेसिव। तो डिस्क्लेमर तभी आता है जब मटेरियल एंड परवेसिव। अब हम क्या करते हैं, कुछ एमसीक्यू सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि इस एमसीक्यू के बेसिस पर आप आंसर फ्रेम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं हम, चलिए गाइस। सो अब हमारे सामने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि हमने बिल्कुल अभी कॉन्सेप्ट को पढ़ा और फिर हम उसको समझेंगे, देखते हैं कि आप सभी इसका आंसर दे पाते हैं कि नहीं। तो पहले क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, When scope limitation has preclude, preclude मतलब ऑडिटर को रोका जा रहा है, ऑडिटर फ्रॉम ऑब्टेनिंग सफिशियंट एप्रोप्रिएट एविडेंस टू डिटरमाइन वेदर सर्टेन क्लाइंट एक्ट्स आर इलीगल। मतलब हमें प्राइमा फेसिया तो ये लग रहा है कि ऑडिटर सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो सर एडवर्स तो आ ही नहीं सकता, या तो क्वालिफाइड आएगा या डिस्क्लेमर आएगा। डिस्क्लेमर कब आता है, जब सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहे हैं और उसके पीछे का रीजन क्या है, मटेरियल एंड परवेसिव। तो सर क्या आ सकता है आंसर, एक तो आंसर आपका आ सकता है क्वालिफाइड आ सकता है, प्लस आपका क्या आ सकता है डिस्क्लेमर। अनमोडिफाई क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इलीगल है मतलब मटेरियल तो होगा ही होगा। तो सर क्या यहां पर हम पढ़े आंसर अनमोडिफाई हो नहीं सकता, एडवर्स हो नहीं सकता, डिस्क्लेमर और क्वालिफाइड सी हो सकता है और एडवर्स हो नहीं सकता। तो सर सीधी बात है, अगर एविडेंस नहीं मिले हैं और वो मटेरियल है परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड। सर एविडेंस नहीं मिले हैं, वो मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, तो डिस्क्लेमर, तो सी वुड बी द आंसर। देखिए तो कॉन्सेप्ट को आपने क्या करना है, यहां पर अंडरस्टैंड करना है। तो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसके बेसिस पर एमसीक्यूज। अब और कोई टेक्निकल क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस वुड ऑडिटर बी मोस्ट लाइकली टू एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन। तो हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए, क्या क्लिक होना चाहिए कि सर एडवर्स तब आता है जब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट मटेरियल एंड परवेसिव हो। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, Information comes to the auditor attention that there is substantial doubt about entity's ability to continue as a going concern. अब ऑडिटर को लगता है कि कंपनी आने वाले समय में बंद हो सकती, तो क्या इसके बेसिस पे एडवर्स ओपिनियन देने? The chief executive officer refuses the auditor to access minutes of the board. कंपनी की बोर्ड मीटिंग्स के मिनट्स हमको नहीं मिल रहे। दूसरा रीजन, टेस्ट ऑफ कंट्रोल शोज दैट एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल इज सो पुअर, इंटरनल कंट्रोल के ऊपर हम रिलाय नहीं कर सकते। तीसरा रीजन, चौथा, द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट कंफर्मिटी विद द एफएएसबी फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। मतलब कंपनी कहीं ना कहीं यूएस गैप का कंप्लायंसेस नहीं कर रही। तो एडवर्स में मोस्ट लाइकली आपके लिए आंसर डी ही होना चाहिए, क्योंकि यहां पर सीधे लिख रहा है कि कंपनी यूएस गैप का नॉन कंप्लायंसेस कर रही है, और मैंने आपको बताया था कि यूएस गैप का नॉन कंप्लायंसेस कंपनी के ऊपर एक एडवर्स इंपैक्ट डालता है कि आप यूएस गैप को फॉलो नहीं कर रहे। अनजस्टिफाई नॉन कंप्लायंसेस ऑफ यूएस गैप मे बी द रीजन ऑफ एडवर्स ओपिनियन। तो आपको कॉन्सेप्ट को क्या करना पड़ेगा, यहां पर समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अभी दो क्वेश्चन किए हैं, अब और एक क्वेश्चन। अब यहां लिख रहे हैं, ये एक्चुअली दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड, हमें केवल ऑडिट रिपोर्ट वाले, क्योंकि अभी हमने उसको पढ़ा है। चलिए एक बड़ा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। A CPA engaged to audit of a financial statement observed that accounting for certain material but not pervasive item is not, देखो यहां पे साफ लिखा है, not
परवेसिव, मटेरियल बट नॉट परवेसिव। तो सर अब हमारे दिमाग में चीज आ जाना चाहिए कि मटेरियल बट नॉट परवेसिव है, मटेरियल बट नॉट परवेसिव। तो एडवर्स और डिस्क्लेमर तो हो ही नहीं सकते, एडवर्स और डिस्क्लेमर तो हो ही नहीं सकते। सर्टेन मटेरियल बट नॉट परवेसिव आइटम इज नॉट कंफर्मिटी विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ऑल्दो द मैटर इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑब्वियसली बात है सर, क्योंकि यहां पर क्या लिखा, मटेरियल वर्ड लिखा है, तो यहां पर हम सीधे क्या बोल सकते हैं सर कि ये क्वालिफाइड ओपिनियन है, क्योंकि हमने पढ़ा है। देखो ये परवेसिव वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बोलता हूं चीजों को मैं आपको क्या कराता हूं, हाईलाइट कराता हूं। तो आप अगर इस तरीके से कॉन्सेप्चुअली चलेंगे तो आप, क्योंकि यहां पर साफ लिखा था मटेरियल बट नॉट परवेसिव, तो सब सर जब मटेरियल बट नॉट परवेसिव हो ना नॉट, तो डिस्क्लेमर और एडवर्स नहीं हो सकता, या तो क्वालिफाइड होता या अनमॉडिफाइड। बट अनमॉडिफाइड क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि यहां पे क्या लिख दिया, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो चीजों को मगअप नहीं करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो इस तरीके के कुछ क्वालिटी वीडियोज आपको मिलने वाले हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट को क्या है अंडरस्टैंड करने के बाद ही एमसीक्यू को आप क्या कर पाएंगे, सही तरीके से आप अप्रोच कर पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ऑडिटर मे नॉट एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन व्हेन, कब आप क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते। देखिए नॉट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट, मे नॉट एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन व्हेन स्कोप लिमिटेशन प्रिवेंट ऑडिटर फॉर कंप्लाइंग इन इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर, मतलब आपके ऊपर स्कोप लिमिटेशन लगा दिया गया है, तो इस सिचुएशन में तो आप क्वालिफाइड दे सकते हैं। ऑडिटर रिपोर्ट रेफर टू द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट, देखते हैं इसके बारे में, तीसरे ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड वेरियंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज यूज्ड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल इट वेरियंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज यूज्ड एंड द ऑडिटर लैक इंडिपेंडेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट एंटिटी। अब हम यहां पर ऑडिट करते समय इंडिपेंडेंट ही नहीं है, तो मेरी बात सुनिए, जब आप इंडिपेंडेंट ही नहीं है तो आप ऑडिट ही नहीं कर सकते, तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन की क्या बात हुई, क्योंकि गैस की रिक्वायरमेंट है। ऑडिट रिपोर्ट देते समय ऑडिटर का मस्ट बी इंडिपेंडेंट, तो अगर आप इंडिपेंडेंट ही नहीं हैं तो ऑडिट रिपोर्ट आप कभी भी नहीं दे पाएंगे। तो गाइस ये वो वीडियोस को देखने के बाद एक आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, जिससे कि आप एमसीक्यू को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। चलिए फिर किसी दिन अगले वीडियोस में आपसे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।